हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, इंडिया यूके ट्रेड पैक्ट टॉक्स इन फाइनल स्टेज। तो इंडिया और यूके का जो ट्रेड पैक होता था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो आपके फाइनल स्टेजेस में है, ऐसा कॉमर्स सेक्रेटरी ने बोला है। तो ये जानने से पहले हमारे लिए एक बार इम्पोर्टेंट हो जाता है जानना कि ये ट्रेड पैक्ट इंडिया कहाँ पर है। तो ये रहा अपना इंडिया, ये है अपना मेरा प्यारा भारत, ये इंडिया है। यहाँ से आप लोग देखिए, ये हम लोग यूरोप जाएंगे, ये आपका यूरोप है पूरा, यहाँ पे ये यूरोप हो गया, और यहाँ पे आप देखिए ये आपका यूनाइटेड किंगडम है। तो यहाँ से इंडिया से और यूरोप से, तो आप देखिए हम लोग यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। ऋषि सुनाक यहीं के प्राइम मिनिस्टर है, ऋषि सुनाक प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के यूके के, और इसी को हम लोग ब्रिटेन भी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लैंड भी बोलते हैं, इंग्लैंड इसी में यहाँ पर जगह है, ठीक है, एक इसका प्रोविंस है। तो यही आपका ब्रिटेन है, यूके है, यही हमारे ऊपर राज किए थे, आज हम इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, नेगोशिएशंस बिटवीन इंडिया एंड यूके फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आर एट एन एडवांस स्टेज एंड बोथ साइड्स आर वर्किंग ऑन आयरनिंग आउट डिफरेंसेस एंड स्टिल रिमेन कॉमर्स इंडस्ट्री सुनील बर्तवाल्स सेड ऑन फ्राइडे। तो यहाँ पे सिंपल सी बात बताई जा रही है, दोनों कंट्रीज आपस में बात कर रहे हैं, और जो भी डिफरेंसेस है अभी भी उसको आयरन आउट, मतलब खत्म करने की कोशिश की जा रही है। वी आर नेगोशिएटिंग दो इशू विच रिमेन, ही सेड वाइल नॉट इलाबोरेटिंग ऑन दी इशू। तो ये बता रहा है कि हमारा अभी भी नेगोशिएशन चल रहा है, कौन से इशू पे वो हमने नहीं बताया, ठीक है। The secretary said he was in the UK last week for discussion with his counterpart and his demand delegation for negotiation from UK are in New Delhi for the continuation of the 13th round of talk which began on 18th of last month. तो 13 राउंड ऑलरेडी हो चुके हैं और ये 13th राउंड आपका चल रहा है बातचीत का। कुछ दिन पहले ये वहाँ गए थे, अब वहाँ के लोग यहाँ पर आए हैं। The proposed FTA, free trade agreement between the two countries, negotiation for which were started in the January of 2022, covers 26 chapters of policy area. Majority of chapters are closed or are in advanced stages of negotiation. तो आप देखिए यहाँ पे ये बात हो रही है कि मेजोरिटी ऑफ यहाँ पे चैप्टर्स क्लोज हो चुके हैं, 26 चैप्टर्स हैं, उसमें से एडवांस स्टेजेस में है मेजोरिटी, या तो मेजोरिटी पे बात हो चुकी है। एफ ई हैज़ रिपोर्टेड द पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट बींग साइंड बाय थीन ऑफ दिस मंथ। तो यहाँ पे हो सकता है इस महीने साइन हो जाए एफ टी आपका। वाइल लेस कंटेशियस इशूज आर बींग सॉर्टेड आउट, प्रोट्रैक्टेड नेगोशिएशंस आर स्टिल ऑन इशू इंटरेस्ट टू इंडिया, लाइक ग्रेटर एक्सेस फॉर इट्स स्किल्स प्रोफेशनल फ्रॉम सेक्टर लाइक IT एंड हेल्थ केयर इन यूके मार्केट। तो इंडिया यहाँ पे थोड़ा अपना पॉइंट रख रहा है, एक्सेस फॉर सेवरल गुड्स एट नील कस्टमर ड्यूटीज, तो ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, द यूके इज सीकिंग अ सिग्निफिकेंट कट इन इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन गुड्स सच एज स्कॉच विस्की, ऑटोमोबाइल्स, लैम्प मीट, चॉकलेट्स एंड सर्टेन कॉन्फेक्शनरी आइटम्स। तो इन सब आइटम पे यूके यहाँ पे बोल रहा है कि भाई इम्पोर्ट ड्यूटी, जैसे इंडिया है, अब देखिए इंडिया है, यहाँ से जो सामान आएगा वो इंडिया के लिए इम्पोर्ट हो जाएगा और इसके लिए एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिया उन सामान अपने इंडस्ट्री को सेफगार्ड करने के लिए, ठीक है, अपने इंडस्ट्री को सेफगार्ड करने के लिए यहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगाता है। तो अगर वहाँ पे मानिए 100 रुपये का सामान आ रहा है, इंडिया 10% इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दिया, तो यहाँ पे ऑलरेडी वो 110 रुपये का हो जाएगा। तो यूके बस बात कर रहा है स्कॉच विस्की, ऑटोमोबाइल्स एंड सबके ऊपर कि इम्पोर्ट ड्यूटी कम करो, ये बात हो रही है। ब्रिटेन इज ऑल्सो लुकिंग फॉर अ मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर यूके सर्विसेज इन इंडियन मार्केट इन सेगमेंट्स लाइक टेली कम्युनिकेशन, लीगल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो ये सब भी यूके सोच रहा है यहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। इफ द नेगोशिएशन कंक्लूडेड सक्सेसफुली, द एफ टी ए वुड बी इंडिया फर्स्ट विद अ डेवलप्ड कंट्री विच कुड सेट अ टेम्पलेट फॉर अदर सिमिलर पैक्ट इट इज सीकिंग वाइल विद द यूरोपियन यूनियन। तो आप देखिए इंडिया का अभी तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसी भी एडवांस इकॉनमी के साथ नहीं हुआ है, ठीक है, इकोनॉमी के साथ नहीं हुआ है। अगर इसके साथ होगा तो ये फर्स्ट ऐसा होगा जो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, एक डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड के बीच में
FTA होगा, ऐसा ये फर्स्ट होगा, तो ये एक टेम्पलेट भी दिखाएगा। अनदर टीम फ्रॉम द यूके इज ऑल्सो इन इंडिया टू नेगोशिएट द बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी विद द ऑफिशियल ऑफ द मिनिस्ट्री टू फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस दैट विल बी डिजाइंड दैट विल बी साइंड अलॉन्ग विद द FTA। तो यहाँ पे बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी एक ट्रीटी होगी, उसकी भी बात हो रही है। द यूके इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर फॉर इंडिया, द बायलेटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूके इंक्रीजेस टू $20 बिलियन इन 2022-23 फ्रॉम $17 बिलियन इन 2021-22। तो यहाँ पे आप देखिए $3 बिलियन का यहाँ पे इंक्रीज हुआ है ऑन ईयर बेसिस। ऑन एफ टी ए नेगोशिएशंस विद द यूरोपियन यूनियन द सेक्रेटरी सेड दैट द सिक्स्थ राउंड ऑफ द नेगोशिएशंस वुड हेल्ड इन ब्रुसेल फ्रॉम मंडे ड्यूरिंग द फिफ्थ राउंड ऑफ नेगोशिएशंस इन जून। नेगोशिएशन ऑन 20 पॉलिसी एरिया वर हेल्ड। तो अब देखते हैं हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। जस्ट अ सेकेंड, देखिए सबसे पहले हमारे लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड हमारे लिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है ये यूके और इंडिया रिलेशन क्या है, ठीक है। इसके जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, ठीक है, इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, इसके पॉजिटिव्स और इसके नेगेटिव्स। तो आप देखिए जैसे पॉजिटिव नेगेटिव की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोग देखें तो जैसे हमने बात किया ब्रिटेन ब्रिटेन या यूके आप बोलिए इसको, और इंडिया के बीच में जो ये ट्रीटी हो रहा है, तो ये हम डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, और ये डेवलप्ड कंट्री है। हमारे साथ मतलब इंडिया के बीच ऐसा फर्स्ट FTA होगा जो एक डेवलपिंग कंट्री यानी कि हम एक डेवलप कंट्री के साथ कर रहे हैं। हमारे अभी जितने भी FTA चल रहे हैं वो हम लोग डेवलपिंग प्लस डेवलपिंग के साथ किए हैं। तो ये हमारे लिए एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा जो आगे यूरोपियन यूनियन के साथ या किसी भी डेवलप्ड कंट्री के साथ हमें हेल्प करेगा नेगोशिएट करने में कि देखो हम तो ब्रिटेन के साथ करके बैठे हैं। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए बस इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। और आप यहाँ पे थोड़ा देख सकते हैं क्या बात हो रही है, वो लोग बोल रहे हैं इम्पोर्ट हटाओ, तो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे हमें प्रोफेशनल्स चाहिए, इंडिया बोल रहा है कि हम इसमें भी अपने प्रोफेशनल्स डालेंगे। तो यही चीज़ें हो रही है क्योंकि इंडिया के पास मैन पावर है, ठीक है, और उनके पास आप देखिए मशीनरी पावर है, तो सब लोग अपना यूज़ करना चाह रहे हैं, यहाँ पे यही चीज़ समझाई गई है। तो थैंक यू गाइज, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।